इतना कट्टा पकड़ के इनके हाथ नहीं दुखेंगे जितना आज इनके पकड़ के हाथ दुख गए। बहुत दिनों बाद, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे तो पता नहीं रंग बिरंगा आपको पट्टियाँ दिखाई पड़ रहे होंगे, बहुत दिनों बाद झोलाई फिर से पॉपर सेंटर में पहुंचा है। पॉपर सेंटर मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ, फूड कोर्ट है, काफ़ी बेहतरीन फूड कोर्ट, इससे मैंने कई बार इससे पहले 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं इस पॉपर सेंटर से। तो एक बार पता नहीं है झोला क्या खाने वाला है, अभी चल के अंदर ढूंढेगा ये क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। तो झोले के एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है, और शायद इस वीडियो में बकचोदी नहीं महाबकचोदी में लिया, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके कालीन भैया को। याद है आपको मिर्ज़ापुर देखा होगा आप लोगों ने, उसमें कालीन भैया लेकर आए थे, बहुत विनती करनी पड़ी हमें कालीन भैया की को मिर्ज़ापुर से सिंगापुर बुलाने में। तो थोड़ा इनसे भी वार्तालाप करेंगे और फिर अंदर चलेंगे। कैसे हाल चाल है? बढ़िया, सब चल रहा है सही से। आवाज़ में थोड़ा दम नहीं लग रहा, मिर्ज़ापुर में होते तो बहुत दम लग रहा होता, और अभी सिंगापुर में तो थोड़ी आपकी हालत पतली लग रही है हमको, ऐसा क्यों है? हम करते हैं प्रबंध, आप चलिए आगे। किस चीज़ का प्रबंध करेंगे आप? बर्फी का? बर्फी, बर्फी लाला जी से वो लेके आए हम, मकबूल से बोले हैं, यहाँ पे अच्छा बर्फी मिलने का इंतजाम किया जा रहा है। कहाँ? सिंगापुर में। सिंगापुर में और कहाँ? आपको लगता क्या है कालीन भैया कुछ भी कर सकते हैं? कालीन भैया तभी, इसलिए तो आपको क्या लगता है मिर्ज़ापुर से कालीन भैया को स्पेशली बुलवाया कि थोड़ी बकचोदी कर पाए हम? तो चलिए अंदर हॉकर सेंटर में चलते हैं, एक बार फिर से कालीन भैया को कहेंगे थोड़ा हॉकर सेंटर दिखा दें उसके। ये लीजिए। अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कालीन भैया, आप मकबूल से भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप हॉकर सेंटर पहले एक बार घुमाएंगे लोगों को साथ में, उसका देखते हैं कि क्या खा सकता है झोला, और साथ में कालीन भैया शायद अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है इसलिए झोला कम बोलेगा, और कालीन भैया को कहेंगे केवल चीज़ें दिखाएं, क्योंकि काफ़ी बिजी हॉकर सेंटर है और दुकान का लगभग 1:15 बज गए, तो भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए केवल दिखाएगी, केवल जो शॉप वगैरह है उसको झोला दिखाएगा बस। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। मिर्ज़ापुर में तो ऐसी भीड़ कभी कभी चौराहे में दिखी है। हाँ 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 और क्या, हाँ 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 और ज़्यादातर नहीं मिलेगी आपको इतनी। थोड़ा दुकानें भी दिखा दे रही है कुछ ऐसी भी और क्या खाने वाला है आपको पता चला? नहीं यार अभी तक पता नहीं चल रहा हमको क्या खाएगा झोला। इतना बड़ा बच्चों को समझ नहीं आता, तीन राउंड लगवा दिया आपको इस इलाके में, आपको खुद ही नहीं पता चला कि खाने क्या वाला। हाँ इतने सारे तो ऑप्शन से इधर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कन्फ्यूज ही आ जाए लोग, ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज है। और क्या यहाँ पे कुछ बढ़िया दिख रहा है हमको। हाँ तीन ऑप्शन है यहाँ पर, हम गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं वैसे, ऑयस्टर खाया जाए। तीन ऑप्शन सर मिल रहे हैं, कालीन भैया की देखें दबदबा कितना ज़्यादा है कि हमने अंकल से पूछा कि हमें किचन में जाने का मौका मिलेगा, तो अंकल ने बिल्कुल हाँ बोल दिया। तो कालीन भैया को एक बार हम अंदर जाने को बोलेंगे और किचन में थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बनता है आपका ऑयस्टर ऑमलेट। बहुत बढ़िया कालीन भैया, काफ़ी सर बर्फी के आप व्यापारी तो हैं, काफ़ी हाथ साफ है, लेकिन आपको लग रहा है मैं वीडियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं आप? और क्या, चल कच्चा अच्छा नहीं पकड़ते हैं, साथ में कैमरा भी अच्छा पकड़ते हैं। देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, मतलब काफी भीड़ भाड़ भरा वाला ये हॉकर सेंटर, मतलब शायद मैंने 2-3 वीडियोस उससे पहले ही बनाए हुए हैं इस वाले हॉकर सेंटर से। ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे ये हॉकर सेंटर है। कालीन भैया आपके लिए तो पहली बार आता है, कैसा लगा आपको ये हॉकर सेंटर? यार बहुत फैसिनेटिंग है यार, इतने 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 चीजें, इतनी दुकानें, लेकिन आप समझ रहे हैं इतनी दूर देर तक हमने बर्फी ढूंढी लेकिन बर्फी नहीं मिली। बर्फी नहीं मिली यार, बर्फी नहीं मिली, मतलब काफी हमें वही दिक्कत हो रही है, मायूसी हो रही है, बर्फी नहीं मिली, लेकिन उसके अलावा हम ऑयस्टर की बर्फी लेकर आए हुए हैं एक बार। बहुत बढ़िया, आपसे कालीन भैया से कहेंगे हम थोड़ा पास आए और आपको ये देख रहे हैं आप ऑयस्टर की बर्फी खा के दिखाएगा झोला। मुँह में राल टपक रही है, राल टपकना वैसे कालीन भैया के सामने बहुत ही
काफी हल्का शब्द लगता है हमको, लेकिन फिर भी हमने बोला हाँ। करण भैया बताइए, देख के कैसा लग रहा है आपको ये? यार बहुत बढ़िया। क्या अंग्रेजी बताएं, अंग्रेजी बताएं, बड़ा अंग्रेजी वाला शब्द है। मिर्ज़ापुर में इतनी अंग्रेजी शायद तक नहीं बोली जाती रही होगी। हाँ, कितना अच्छे से डेकोरेट भी किया है। डेकोरेट किया देख रहे हैं आप। हाँ, मतलब धनिया मिर्च, धनिया और ये स्प्रिंग अनियन लग रहा है हमको। चॉपस्टिक आज नहीं, मतलब मिर्जापुर से आ रहा है तो चॉपस्टिक भी नहीं उठाई पड़ जा रही है। ये देखिए स्प्रिंग अनियन और देखिए ऑयस्टर देखिए। इसको ज्यादा पकाना नहीं पड़ा वैसे, ऑयस्टर पकानी चाहिए। हम तो झोला, अगर अपने झोले से जुड़े रहे हैं तो हमने तो कच्चा खा दिया। इसको कम से कम थोड़ा बहुत पकाया गया हुआ है। हाँ, वैसे तो पहले मैं ये सोचा था कि एक बार आपको जनता को थोड़ा माहौल दिखा दिया जाए। हम थोड़ा बाहर बैठ गए थे क्योंकि भसड़ कुछ ज्यादा हो रही थी। जैसा आपने देखा मिर्जापुर की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा यहाँ पे भसड़ हुई पड़ी है, तो इसलिए हम थोड़ा बाहर बैठ गए थे। चलिए साथ में गन्ने का जूस, बड़ा जरूरी है, नहीं सर गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी है भाई, गन्ने का जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सिप लेते हैं क्योंकि बोलते बोलते झोला जरूर थक जाता है और प्यास लग जाती है। गलातर करना बहुत जरूरी है, क्यों मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। चलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा पास से लाएंगे। कालीन भैया को मेहनत करा रहा है झोला, मतलब समझ रहे ना, गुड्डू भैया नहीं करा पाए, मुन्ना भैया नहीं करा पाए और कालीन भैया को झोला भैया काम करा रहे हैं। देखिएगा एक बार अंडा। अच्छा मैं ये कह रहा था कि इससे पहले वाला एक वीडियो आया था मेरा, क्या कहते हैं आपका, कैरेट केक, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि कई सारे ऐसे डिशेज हैं जो कि सिंगापुर की काफ़ी ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो कि मैंने नहीं दिखाई अभी तक। उसी कड़ी में ये लेकर आया झोला आज, ऑयस्टर ऑमलेट। अंडे का काम बेहतरीन, एक नाजुकता भरा हुआ काम, साथ में चॉपस्टिक भी बड़ी बेहतरीन चॉपस्टिक है। ये देखिए कालीन भैया को हम कह रहे हैं थोड़ा सा करीबी बढ़ाएं। हाँ अच्छा, कालीन भैया को हम कह रहे थे कि थोड़ा सा कैमरा पास लेने लाने की कोशिश करिए। और एक फालतू डायलॉग याद आ रहा है झोले भैया को कि मतलब बीना जी से कालीन भैया की दूरियाँ तो नहीं इतनी हो पाई, बट नज़दीकियाँ इतनी नहीं हो पाई जितना हम कालीन भैया को कह रहे हैं कि ऑयस्टर ऑमलेट के पास कैमरा ला के। मैं ये कह रहा था बहुत फालतू के डायलॉग आज ज्यादा मार रहा है झोला। झोला भैया गर्मी ज्यादा हो रही, गर्मी खत्म हो रही है खाने की, ठंडा हो रहा है खाना हो जल्दी। अच्छा मतलब मिर्जापुर में डायलॉग नहीं मार पाए तो यहाँ मारने की कोशिश कर रहा मैं। बहुत दिन हो गए थे मिर्जापुर में डायलॉग मारे। चलिए एक बार पहली बाइट लेते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा जैसे कल भैया ने बोला। इसमें अंडे का काम कम लग रहा है और कॉर्न और जैसे बोला कि स्टार्च का ज्यादा काम दिख रहा है। फिर से एक बार पास लाने को कहेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बोला ऑयस्टर ऑमलेट, ऑयस्टर इसका सेवन करता है झोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा आपको कालीन भैया? मजा आया बिना खाए ही, बढ़िया लग रहा है। आपको आपको क्या लगता है जो जनता भी देख रही है उनको बिना खाए हुए मजा आ रहा होगा? आ रहा होगा बिल्कुल सर। आप बढ़िया से खा रहे हैं, आप बढ़िया से खा रहे हैं, आपको लग रहा है। और देखिये साथ में इसलिए ना तीखी 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 तेज तेज मिर्च भी रखी हुई हमने, थोड़ा सा इसमें डुबाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने ऑयस्टर ऑमलेट को ऑयस्टर अलग कर दिया और ऑमलेट अलग कर दिया। तीखा तीखा झोले को काफी ज्यादा पसंद है। एक नंबर से भी अव्वल नंबर, बढ़िया। और हम ये कहते हैं कि देखिए अंडे के साथ इसमें जो है स्टार्च का काम किया गया है। स्टार्च का मतलब कि यहाँ पर आपका जो कॉर्न होता है या भुट्टा, जिसे बहुत लोग हमारे मिर्जापुर वाले लोग होंगे जिनको कॉर्न नहीं समझ में आता होगा, क्यों कालीन भैया? हाँ, भुट्टे की सब्जी खाते हैं हम, भुट्टे की सब्जी खाते हैं ना। हाँ, तो भुट्टे का जो पाउडर होता है आटा, हाँ, उसका काम और साथ में अंडे का काम बहुत बेहतरीन एक नजाकत के साथ काम किया गया है इसमें। और एक और बाइट लेते हैं। इसका मिलाप तो बहुत अच्छा लग रहा है, मिलाप अच्छा लग रहा है। अरे मिलाप है मिर्जापुर में जैसा आपका मिलाप नहीं हो पाया लाला जी से। अब आया अंडे का स्वाद, बहुत बढ़िया। थोड़ी धनिया तो लेना बनता है, गार्निशिंग के नाम पे है धनिया। यार चॉपस्टिक भी आज ना झोला ना आपके सामने थोड़ा सा नर्वस आ रहा है तो चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ते बन रहा है। ये देखिए एक और बाइट लेते हैं। कल भैया का दाम कितना था? $6 अगर आप मिर्जापुर की मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग कितने होंगे? लगभग 300 रुपए, 300 साढ़े 300 रुपए। तो 300 साढ़े 300 रुपए का ऑमलेट, साथ में $2 का गन्ने का जूस, यानी कि 100 रुपए का गन्ने का जूस। बढ़िया बढ़िया, तृप्ति मिल जाती है। समझ रहे हैं, जब आप याद है आपको जब मिर्जापुर से आप नहीं मिर्जापुर नहीं गए थे, आप आजमगढ़ गए थे, जब मिर्जापुर लौट रहे तो रास्ते में किसने गोलियां चलवा दी थी आपके ऊपर, याद है? जहाँ पे आप एक लस्सी की दुकान में बैठे थे और लस्सी की दुकान में जब बैठे तो पीछे से गोलियां चल गई थी। वो हमारे भाई ने, आपके भाई साहब जो थे ना, आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई, फेरे भाई, मतलब बड़े परेशान करते हैं आपको। वो काका काका में ही रह गए, काका काका बहुत करवाते हैं आप उनसे। चलिए एक और बैठ लेते हैं। आप नहीं कहेंगे जनता से कमेंट करने लगी अपने मुल्क में इन्होंने ये सब खाया होगा कि नहीं? आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जनता ने कभी ये ऐसा ऑयस्टर ऑमलेट खाया होगा?
नहीं, हमको नहीं लगता है। आपको, आपने कभी देखा पूरे अपने हिंदुस्तान में जितना भी आपने घूमा था, आजमगढ़ से मिर्जापुर, मिर्जापुर से बनारस, बनारस से जहाँ जहाँ भी घूमे आप अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के, आपको लगता है कि आपने इन चीज़ों का सेवन किया? नहीं, हमने इसमें सिर्फ अंडा खाया है, ऑयस्टर नहीं खाया है। अरे वो भी गुड्डू भैया तो कहते हैं कि 20 उबलवा के रखवा दीजिएगा हमारे लिए। हाँ, और क्या। चलिए इसी बाइक के साथ और भी कुछ बोलने का मन कर रहा है आपका, क्योंकि लग रहा है कि आज आपसे गुफ्तगू करते करते काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अरे लंबा होनी चाहिए, जिंदगी लंबी है। जिंदगी लंबी होनी चाहिए। अरे अरे बीना जी बड़ी खुश हो रही है। बीना जी कहाँ हैं आप? काली भैया क्या कह रहे हैं? बीना जी काफ़ी खुश हो गई आप ये स्टेटमेंट सुन के। आपको धनिया पसंद नहीं आया? धनिया हमारे देश में बहुत यूज़ होता है। और धनिया के साथ साथ ये देख रहे हैं आप हरी प्याज का, हरी प्याज का जो काम किया ना बारीकी वाला, हाँ, जो नखासी की गई है, आप समझ रहे हैं, नज़ाकत और नियामत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इस धनिया की बाइट से, क्योंकि हमें लग रहा है कि कालीन भैया के कैमरा पकड़ पकड़े इतना कट्टा पकड़ के इनके हाथ नहीं दुखेंगे जितना आज इनके फोन पकड़ के हाथ दुख गए। बट इसी बाइट के साथ इस वीडियो को विराम देता है। अगर आपको कालीन भैया का काम आज कैमरा पे पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कालीन भैया का काम कैसा लगा आपको। ने कट्टे का काम इनका बहुत देखा होगा मिर्जापुर में, आपने बर्फी का काम बहुत देखा होगा, कालीन का बहुत काम देखा होगा पहली बार। कैमरे का काम बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कालीन भैया का कैमरे का काम कितना पसंद आया। और छोले की बकचोदी तो आपको उम्मीद है पसंद आती रही होगी, आज भी आई होगी शायद तक।